अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले दिनों एक वीडियो शेयर की थी बच्चों के मोबाइल यूज़ करने के हवाले से, स्क्रीन टाइम के हवाले से। तो आप दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसके ऊपर कमेंट किया कि मेरा नुक्ते नज़र ये था कि हमें दौरे हाजिर के मुताबिक बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि स्क्रीन टाइम को किस तरह हम मुफीद बना सकते हैं, क्योंकि ये आज हमारी ज़रूरत है। तो लोगों का कहना ये था कि इस तरह तो आप बच्चों को तरगीब दे रहे हैं कि वो मोबाइल और दूसरी स्क्रीन जो हैं वो यूज़ करें। तो जैसा मैंने बताया कि ये तो ज़रूरत बनती जा रही है अब हमारी, और जितनी हम अच्छे तरीके से बच्चों को स्क्रीन टाइम यूज़ करवा सकते हैं वो हमें करवाना चाहिए, वरना ये होगा कि हम पीछे रह जाएंगे। आज जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, ये अगर गुड वे में हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हम दौरे हाजिर की वजह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जा रहे हैं, जो कि शायर इस्लाम से मुनाफी हैं, जो कि अहकामात रब्बानी से मुनाफी हैं, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाफी हैं, उन पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम अपना सॉफ्ट इमेज कायम करने के लिए अगर शायर इस्लाम जो हैं उनको बालाए ताक रख दें तो वो हमारे लिए किसी तौर भी सही नहीं है। हमें आज के दौर में भी, इस दौरे फितन में भी, इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हों वो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो, उसके मुनाफी कोई चीज़ हम ना करें, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारी ये ज़िंदगी में कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। हम जो है समझते ये हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे, दुनिया के साथ चलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, या हमें दुनिया जो है ना वो मिल जाएगी, दुनिया हमारे लिए बेहतर हो जाएगी, लोग हमें अच्छा समझने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये सिर्फ हमारी खाम ख्याली है कि हम ऐसा करके दुनिया के साथ चल जाएंगे, दुनिया में हमें कामयाबियाँ हासिल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ ये कि हमारी दुनिया ख़राब हो जाएगी, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें उसकी पकड़ से महफूज फरमाए। थैंक यू सो मच।